Hello students, today I am here with the next lecture of class 8th, chapter number 4, materials, metals and non-metals. But see, in our previous lectures we have done different kinds of reactions of metals and non-metals with air and water. So today we are going to proceed further and we are going to discuss how metals and non-metals they react when acids and bases are added in them, right? तो सबसे पहले तो हम लोग वर्ड क्लियर करेंगे कि एसिड और बेस होता क्या है. व्हाट इज़ एन एसिड एंड व्हाट इज़ एन बेस. सबसे पहले तो हमारा मोटिव ये है. सो एसिड्स क्या होते हैं, हम लोग जब केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो यू मस्ट हैव परफॉर्म्ड वन और टू और मे बी मोर देन दैट केमिकल रिएक्शंस. तो एसिड और बेसिस हम लोग केमिस्ट्री लैब में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो होता क्या है, एसिड और बेस केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं. दे आर केमिकल सब्सटेंसेस. इवन यू यूज एसिड्स एंड बेसिस इन योर डेली लाइफ ऑल्सो. आई विल टेल यू सम एग्जाम्पल्स एंड देन यू विल बी मोर क्लियर. एसिड्स एंड बेसिस दे आर द केमिकल सब्सटेंसेस. जब इनका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं, ठीक है. इनका टेस्ट अलग होता है एंड ऑन रिएक्टिंग विद डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट सब्सटेंसेस द प्रोडक्ट इज डिफरेंट. जिसके बेस पे हम लोग ये देख सकते हैं कि ये एसिड है और ये बेस है. सबसे पहले एसिड. एसिड क्या है, केमिकल सब्सटेंस. ऑब्वियसली इट इज अ केमिकल सब्सटेंस, राइट. इट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच हैज सोर टेस्ट, विच हैज सोर टेस्ट. सोर मतलब खट्टा. टेस्ट मत करना, बट आई टेल यू द एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, हैव यू टेस्टेड लेमन, नींबू को टेस्ट किया है, या ऑरेंज हम लोग जब खाते हैं तो वो खट्टा होता है टेस्ट में. दे कंटेन एसिड्स, दे कंटेन अ टाइप ऑफ एसिड नोन एज सिट्रिक एसिड. सो इफ एवर यू वॉन्ट टू टेस्ट एन एसिड यू कैन टेस्ट लेमन, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो लेमन का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है. सो एसिड्स दे हैव अ सोर टेस्ट, राइट. एंड वॉट नेक्स्ट इज, हमारे पास एक लिटमस पेपर होता है. लिटमस पेपर इट इज़ अ इंडिकेटर. इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है. हमारे पास फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एसिड्स बहुत सारे बेसिस पड़े हैं, बट हमको ये पता है सिर्फ कि दे आर द केमिकल सब्सटेंसेज. वी आर नॉट अवेयर दैट विच इज़ एसिड एंड विच इज़ बेस अमंग दैम. सो वॉट वी कैन यूज़, वी कैन यूज इंडिकेटर. देर आर मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स. वन ऑफ देम इज लिटमस पेपर. लिटमस पेपर इज अ टाइप ऑफ इंडिकेटर विच चेंजेज इट्स कलर, ठीक है ना. वो अपना कलर चेंज करता है. क्या करता है, जैसे मेरे पास एसिड है तो जब मैं एसिड में लिटमस पेपर डालूंगी तो लिटमस पेपर क्या करेगा, इट विल टर्न इट्स ब्लू ब्लू कलर इंटू रेड. एंड वेन इट विल टर्न इंटू रेड तो हमें ईजिली क्लियर हो जाएगा कि ये सब्सटांस केमिकल सब्सटांस क्या है, ये एसिड है. क्लियर. जब मेटल्स ये रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस. ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स दे गिव आउट हाइड्रोजन गैस. ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स दे लिबरेट विच गैस, दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस. एंड वेरी वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एसिड्स इन आर डेली लाइफ इज दिस लेमन और ऑरेंजेस. दे कंटेन सिट्रिक एसिड. हम लोग और ये एसिड्स हैं, इनको हम लोग खा सकते हैं इजीली. जैसे मैं आपको बताया, दे आर प्रेजेंट इन लेमन्स ऑरेंजेस, राइट. सिमिलरली मैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन योर टमाटोज. जो आप लोग टमाटो खाते हो, टमाटर खाते हो, उसमें भी एक टाइप का एसिड प्रेजेंट होता है. सो दीज एसिड्स दे आर हेल्थ फ्रेंडली. यू कैन कंज्यूम दीज एसिड्स. अदरवाइज द डिफरेंट एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारे एसिड्स दे आर वेरी डेंजरस. यू कैन नॉट कंज्यूम दैम. क्लियर. उसके बाद हमारे पास एसिड्स के ऊपर भी दो तरह की चीज़ें लिखी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसके आगे कई बार लिखा होता है डी आई एल डॉट.
DIL means dilute. Dilute का मतलब होता है बच्चे more water and less acid. अगर किसी भी केमिकल सब्सटेंस पे या केमिकल एसिड के आगे लिखा हुआ है DIL dot and the name of the acid, it means the acid is dilute in nature. Means the amount of water is more in that acid and the amount of acid is less, right? And these acids, they are harmful though, but itne zyada harmful nahi hote hain jitne concentrated acids hote hain. Agar kisi ke aage concentrated HCl, H2SO4 ye sab likha hua hai, it means they have more amount of acids and less water. And these acids, they are very very dangerous. Kabhi bhi inko अकेले हैंडल नहीं करना, यू हैव टू ऑलवेज हैंडल देम अंडर अ सुपरविजन. क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर बेसिस? बेसिस आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट हैज बिटर टेस्ट. जैसे हम लोग करेला खाते हैं तो करेला क्या होता है, थोड़ा बिटर होता है, कड़वा होता है. वैसे ही बेसिस का टेस्ट क्या होता है, दे आर बिटर इन टेस्ट एंड स्लिपरी टच होता है इनका. When you touch them, you feel slippery. Right? And they changes red litmus paper into blue. ठीक है? Clear? Now, when acid and base, they both react with each other, they react and they give out salt and water. For example, sodium is an acid. When it reacts with chlorine, it gives out common salt, that is sodium chloride. And now when these bases, they react with metal, bases on reacting with metals, they give out salts and hydrogen गैस. राइट? तो सबसे पहले क्या है, एसिड क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट खट्टा होता है. फॉर एग्जांपल, आई हैव टोल्ड यू दैट द डेली लाइफ एसिड्स व्हिच वी यूज आर लेमन व्हिच हैज सिट्रिक एसिड, टमाटोज व्हिच हैज मैलिक एसिड. दे टर्न द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस एंड व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स दे लिबरेट द हाइड्रोजन गैस. और जब ये हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, इट produces a pop sound, right? Dilute acid and concentrated acid, the difference is dilute acid has the more amount of water and less amount of acid in it, and the concentrated acid is the opposite, it has the more amount of acid and less amount of water. And what are bases? Bases are bitter in taste, they have slippery touch, they turn the red litmus into blue. And whenever bases and acids, they react with each other, they react and give out salt, right? Bases, when they react with metals, they give out salt and hydrogen gas, okay? Bases ki jo common day examples hain, that is baking soda, jo hum log ghar mein use karte hain. Theek hai? Toothpaste, they have... bases, right? Now what is going to happen when acids, they are going to react with the metals? Reaction of acids with metals. So when metals, they are going to react with acids, what is going to happen? They are going to give metal salt plus hydrogen gas. Metals on reacting with acids gives out metal salts and hydrogen gas. For example,
पोटाशियम ऑन रिएक्टिंग विद HCl इज गिविंग आउट पोटाशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. सिमिलरली सोडियम ऑन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन क्लोराइड और HCl इट गिव्स आउट सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. दीज टू रिएक्शंस आर सो विग्रस दैट दे टेक प्लेस वेरी फास्ट, राइट? बहुत ज़्यादा जल्दी होते हैं ये. उसके बाद हमारे पास जो मेटल है दैट इज आउट मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर मेटल एंड इट प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड. इसको अगर फ्लेम के आगे ले जाओगे तो ये एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कॉपर, व्हेन कॉपर इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट? ये सारे डाइल्यूट सॉल्यूशन में रिएक्ट करवाने हैं. दिस इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म एनी रिएक्शन, कुछ भी नहीं बनेगा इसमें, नो प्रोडक्ट इज गोइंग टू फॉर्म, राइट? बट जो कॉपर है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, H2SO4 के साथ, और नॉट इन द डाइल्यूट, इन द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. ये सारे डाइल्यूट में है. सो कॉपर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बट कौन सी फॉर्म में? कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में नहीं करेगा. मीन्स H2SO4 की जो कॉन्सेंट्रेशन है, मीन्स एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो ज़्यादा होनी चाहिए और वाटर उसमें कम होना चाहिए, तभी जाके कॉपर उसके साथ रिएक्ट करेगा, राइट? व्हाट हैपन्स व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट? नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं होता जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई रिएक्ट सल्फर विद HCl, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस नो रिएक्शन, राइट? सो नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेसिस, हाउ मेटल्स आर गोइंग टू बिहेव व्हेन बेसिस आर एडेड इन देम. मेटल्स का सो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? पहली बात तो ये है कि बहुत सारे मेटल्स, मोस्टली जो मेटल्स हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है? और जो करते हैं उनको हम लोग एम्फोटेरिक मेटल्स बोल देते हैं. एम्फोटेरिक मेटल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं. मोस्टली द बेसिस द नॉन द दिस मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, बट दोज हु डू आर कॉल्ड एम्फोटेरिक मेटल्स एज दे प्रोड्यूस सॉल्ट्स. As they produce what? They produce salt, right? For example, जब हम लोग एल्यूमिनियम मेटल का रिएक्शन करवाएंगे नॉन बेसिस के साथ, लेट अस टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इट विल गिव आउट सोडियम एल्यूमिनेट. सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला होता है NaAlO2, which is a salt and gives out hydrogen gas. So metals, they do not mostly react with bases because they cannot produce the positive ions, right? And those metals which react with bases, they are known as amphoteric metals because they give out salt and hydrogen gas. For example, on reaction of aluminium with sodium hydroxide, we get sodium aluminate and hydrogen gas. Now, what happens when non-metals
नॉन मेटल्स के केस में अभी क्या होगा, अगेन जो नॉन मेटल्स हैं दे डू नॉट रिएक्ट. सो द नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट, और इफ दे आर रिएक्टिंग द रिएक्शन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी वेरी डिफिकल्ट. राइट, ये सब चीज़ें समझ आ गई. नाउ जस्ट गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर्स, प्रीवियस वीडियोज, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी रिएक्शंस करी हैं. लेट्स टेक वन रिएक्शन, दैट इज व्हेन आयरन नेल्स दे रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इट गिव्स आउट आयरन सल्फेट एंड कॉपर. राइट, वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक, इट कैन बी पोटाशियम ऑन रिएक्टिंग विद वॉटर गिविंग आउट पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. राइट, ये सारी जो एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हैं इसमें आप लोग क्या देख रहे हो कि आयरन और कॉपर सल्फेट प्रोडक्ट साइड में जाके आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट की जगह ले ली. कॉपर की जगह लेके वो सल्फेट के साथ आ गया और कॉपर को क्या छोड़ दिया, अकेला. सिमिलरली सेकेंड रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि पोटाशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करा है तो उसने क्या बना दिया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH बेस फॉर्म में, और हाइड्रोजन गैस है जो वो अकेली हो गई. तो इन रिएक्शंस में हम लोगों को पता क्या लग रहा है, दैट जस्ट रिकॉल योर रिएक्टिविटी सीरीज. यू पीपल रिमेंबर योर रिएक्टिविटी सीरीज जो हम लोगों ने सबसे पहले करी थी, जिसमें सबसे पहले हमारे पास पोटाशियम, सोडियम, देन एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये सारा था. सो दिस रिएक्टिविटी सीरीज फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी प्रूव हो गई है कि जो एलिमेंट्स हमने सबसे टॉप पे रखे थे वो सबसे टॉप पे ही हैं, और जो सबसे लीस्ट में हैं जैसे हमारे पास सिल्वर और गोल्ड, दैट आर एट दी एंड ओनली बिकॉज दे हार्डली मैटर इन दीज रिएक्शंस. दे हार्डली, दे डोंट इवन रिएक्ट विद वाटर, दे डोंट इवन रिएक्ट विद एयर, दे हार्डली डू. इफ दे डू, दे हार्डली डू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रिएक्टिविटी सीरीज इट हैज़ प्रूव्ड दैट द मेटल्स विच वर प्लेस्ड एट द अबव दे आर going to be at the above only because they show very very vigorous reaction when they react with air or water or acid or base. Right, now what is going to happen in this, just see that, just go through your reactivity series and look, iron copper se upar hai ya copper se niche hai. Iron copper se upar hai, isi karan iron ne copper ko kya kar diya, displace kar diya. Right, so these type of reactions in which the highly reactive element displaces less reactive element, these reactions are known as displacement reactions. So these reactions, they are known as displacement reactions. So means एक और example हम लोग कर लेते हैं, zinc on reacting with copper sulfate, zinc on reacting with copper sulfate is giving out zinc sulfate एंड कॉपर. सो इसका मतलब क्या है, जिंक है जो वो कॉपर से क्या है, हाई रिएक्टिव है, और कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है. इसी कारण जिंक ने कॉपर की प्रोडक्ट साइड पे जगह ले ली. सो द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट व्हेन दे डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. राइट, और जो हमारी फोर्थ फॉर्म है, इफ़ यू पीपल रिमेंबर, हम लोगों ने फोर्थ फॉर्म मैंने आपको बोला था, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे that what is going to happen when the metals they are going to react with solution of other metals, metals reacting with solutions of other metals.
दिस इज गोइंग टू हैपन. देन मेटल इट हैज टू रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स. वन मेटल हैज टू बी मोर रिएक्टिव एंड दी अनदर हैज टू बी लेस रिएक्टिव. देन ओनली द रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस. राइट. हाईली रिएक्टिव विल गोइंग टू डिस्प्लेस द लेस. Clear? Okay. So these are the properties of metals and non-metals when they react with air, water, acids, bases, and when metals they react with solutions of other metals. Now let's discuss what are the uses of these. What are the uses of metals and what are the uses of non-metals? मेटल्स के यूजेस तो आपको बहुत ही क्लियर होंगे. जस्ट रिकॉल ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर डक्टाइल, मेलिएबल, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. राइट. तो इसी कारण जो मेटल्स हैं दे आर यूज इन ऑल द थिंग्स फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, क्योंकि ये शाइन करते हैं. फॉर मेकिंग दीज योर एरोप्लेन्स, मशीनरी, एवरीथिंग, बिकॉज दे हैव ऑल द प्रॉपर्टीज. हाउस होल्ड वायर्स, सिमिलरली यूटेंसिल्स. तो मेटल्स बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर सोनोरस, दे आर हार्ड, दे आर मेलिएबल, डक्टाइल, दे आर लस्टर इन नेचर, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर वाइडली यूज्ड. नाउ नॉन मेटल्स ऑन दी अदर हैंड, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ ज़्यादा तो अच्छी नहीं थी, फिर भी दे आर वाइडली यूज्ड. दे आर यूज्ड इन मैनी फॉर्म्स. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो ब्रीथिंग के लिए यूज़ होती है नॉन मेटल. अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो हाउ कैन वी ब्रीथ. राइट. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ नॉन मेटल. प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. The water cannot be purified if chlorine was absent, because due to the presence of chlorine non-metal, water purification is possible. Right. Then fertilizer and pesticides, they all contain non-metals. Which kind of non-metals do they have? They have nitrogen, they have phosphorus. ठीक है. Extremely important इसका medicine में use है. If you people remember, एक purple color की antiseptic आती है, it has a non-metal which is known as iodine. इसमें iodine की presence बहुत ज़्यादा होती है. सिमिलरली जो हम लोग नमक खाते हैं उसमें नॉन मेटल प्रेजेंट होता है आयोडीन. ठीक है. जिसकी कमी के कारण भी हमें प्रॉब्लम होती है, और अगर वो बढ़ जाए दैट ऑल्सो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. गोइटर, इफ यू हैव हर्ड अबाउट द टर्म. राइट. सो मेडिसिन में जो पर्पल एंटीसेप्टिक होती है हम लोग अपने वूंड्स पे लगाते हैं, इट हैज आयोडीन. देन द क्रैकर्स दैट वी बर्न ऑन दिवाली और एनी ओकेजन दैट हैज sulfur in it. Right. So now one more thing I would like to tell you, the magnesium metal. This metal is used in plants. ये plants में बहुत ज़्यादा widely होता है. This metal it is used by plants when they do the process of photosynthesis. क्लोरोफिल, जब इन द प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट, फोटोसिंथेसिस दे हैव टू परफॉर्म टू मेक देयर फूड, मैग्नीशियम मेटल इज वाइडली यूज्ड. राइट. सिमिलरली आयरन, दिस मेटल इज यूज्ड इन अवर बॉडी. इन विच फॉर्म? दिस मेटल इज यूज्ड इन हेमोग्लोबिन फॉर्म, HB फॉर्म, इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ द RBCs ऑफ द बॉडी. In the red blood cells of the body. Right. Now
यू ऑल हैव बीन थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सब ने पढ़ा है. हम लोगों ने बहुत सारे रिएक्शंस करवाए हैं इसके, हम लोगों ने ये देखा है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, वी हैव सीन विच काइंड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज इट पजेस. राइट नाउ यू कैन राइट डाउन द वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फ्यू आई कैन टेल यू, अदर यू कैन राइट डाउन. द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, वाइडली यूज कॉपर, एल्यूमिनियम इन आवर हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, राइट, सिल्वर गोल्ड फॉर द ऑर्नामेंट्स, राइट, लेड, जिंक, निकल, टिन, ठीक है, मैग्नीशियम, सोडियम, मरकरी, टंगस्टन. टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जो हम लोग फिलामेंट्स में यूज़ करते हैं, बल्ब्स में, ठीक है. प्लैटिनम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये सारे क्या हैं, मेटल्स. फाइंड आउट मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. सिमिलरली द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर ऑक्सीजन, वाइडली यूज फॉर ब्रीथिंग. सिमिलरली कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फॉस्फरस, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, दीज आर ऑल द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द नॉन मेटल्स. फाइंड आउट एंड एक्सप्लोर द मोर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड डू राइट दैम, डू लर्न दैम. गो थ्रू दिस चैप्टर वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी ईजी चैप्टर एंड हेयर. सो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग ऑफ दिस चैप्टर इन दीज लेक्चर्स. ट्राई टू गो थ्रू दीज लेक्चर्स अगेन एंड अगेन एंड अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो. कुछ भी प्रॉब्लम है यू कैन कंटैक्ट एंड यू कैन कमेंट, ठीक है. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन गो थ्रू दीज लेक्चर्स केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. थैंक यू.